सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के पार्क रोड स्थित प्रदेश कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद से सुभाषपा नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि संदिग्धों ने इंटरनेट कॉलिंग के जरिए सुभाषपा के प्रदेश कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी। साथ ही कार सवार कुछ संदिग्धों ने कार्यालय के फोटो भी खींचे, जिसको संज्ञान में लेते हुए सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने पुलिस आयुक्त और हजरतगंज थाने में शिकायती पत्र भेजा है, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पार्क रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे पुलिस खंगाल रही है और कार नंबर के आधार पर संदिग्ध लोगों की तलाश की जा रही है। इतना ही नहीं, पार्टी कार्यालय के आसपास पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। बता दें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता के मुताबिक दोपहर करीब 12:25 पर 4 अज्ञात व्यक्ति पार्टी कार्यालय के फोटो खींच रहे थे। कार्यालय प्रभारी बाहर निकले तो सुना कि वह आपस में पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के बारे में बात कर रहे थे। टोकने पर कार स्टार्ट करके भाग निकले। इस दौरान भी कार सवार संदिग्धों ने वीडियो बनाया था। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने यह भी बताया कि इससे पहले इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि सुभाषपा की ओर से तहरीर में कार नंबर भी बताया गया है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।